हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ फिशेस, जिसमें हमने लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन पढ़ लिए थे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो हैं ये वो स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनमें विद्युत पैदा करते हैं, जिससे फिश अपने आप को शत्रुओं से बचा सकती है तथा अन्य कार्यों में अपने आप को इनका उपयोग कर सकती है। तो आज है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन डिफरेंट फिशेज। फॉलोइंग आर ए फ्यू चूजन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन सर्टेन फिशेज। इनमें ये जो है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ टॉर्पीडो। टॉर्पीडो में जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ये चित्र में दिखाया गया है। सबसे पहले टॉर्पीडो में, दूसरा इलेक्ट्रोफोरस इनमें पाए जाते हैं, तो ये जो है चित्र में भी दिखाया गया है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पीडो में कैसे होते हैं? टॉर्पीडो प्रोसेस टू लार्ज एंड टू स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑन ई साइड ऑफ द हेड। हेड के दोनों साइड जो हैं, इनमें टू स्मॉल इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। द स्मॉलर वन लाइंग एनक्लोज विद इन लेयर वन लार्जर वन। ईच इलेक्ट्रिक ऑर्गन फॉर्म्स ए लार्ज फ्लैट किडनी शेप्ड मास ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल लाइन सप्लाइड बाई ए थिक नर्व। तो ये जो हैं, ये थिक लार्ज और फ्लैट होते हैं किडनी के शेप में, और प्रत्येक में जो है एक नर्व जो है उससे ब्लड सप्लाई पाई जाती है। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ दिस फिश इज कम्पोज ऑफ अबाउट 4-5 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम्स ईच हैविंग अबाउट 400 इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनमें जो है 45 वर्टिकल हेक्सागोनल कॉलम होते हैं जिनमें कि 400 इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। द इनर्वेटेड साइड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोफोरे प्लेट्स इज इलेक्ट्रिकली निगेटिव टू द अदर एंड ऑल फंक्शंस टूगेदर इन पैरेलल। द करंट रन्स फ्रॉम द डॉर्सल साइड ऑफ द वेंट टू द वेंट्रल साइड द साइड टू वी द साइड। द डिस्चार्ज रेंज इज फ्रॉम 30-50 वोल्ट्स। इनकी जो रेंज होती है इनकी विद्युत की, वो 30-50 वोल्ट होती है। इट मे अप्रोच टू 1000 वॉट्स इन टॉर्पीडो ऑक्सीडेंटेलिस। तो कभी कभी इनमें जो 1000 वॉट्स तक भी पाई जाती हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ साउथ अमेरिकन इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिकस। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन दिस ईल आर सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी वन ऑफ विच इज मच लार्जर देन द अदर। दीज ऑर्गन्स ऑक्यूपाई नियरली हाफ द मास ऑफ द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 70 चैम्बर्स ईच कंटेनिंग ए सीरीज ऑफ अबाउट 6000 इलेक्ट्रोलाइट्स। फिगर 10। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एक्सटेंड अलोंग द एंटायर लेंथ एंड द नर्व्स सप्लाइंग देम अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। दिस ईल में डिस्चार्ज ए करंट ऑफ अबाउट 250 वॉल्ट्स इन वाटर विच में इंक्रीज अप टू 500 वॉट्स ऑन लैंड। द मैक्सिमम पावर में एक्सीड 100 वॉट्स। इट इज सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग टू गिव ए सर्व शॉक टू मैन। द पोलरिटी ऑफ द ऑर्गन इज फ्रॉम हेड टू टेल। थर्ड है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ अमेरिकन कैटफिश मेलाप्टेरस इलेक्ट्रिकस। द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ दिस फिश इज पिक्यूलियर। इट इज सिचुएटेड इन द स्किन फॉर्मिंग ए थिक सेमी ट्रांसपेरेंट कवरिंग ओवर द बॉडी। द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्किन फंक्शन एसेप्टर टू, ये इसका चित्र दिखा रखा है। इसमें जो है मेलाप्टेरस में ये इसका इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स का ये डायग्राम है। डिवाइड द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इनटू सेवरल चैम्बर्स। ईच चैम्बर कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हुज नर्व्स एंड्स आर टूवर्ड्स द टेल। द इनर्वेशन इज ऑल्सो रिमार्केबल एज ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स इन ईच हाफ ऑफ द ऑर्गन आर कनेक्टेड टू द प्रोसेसेस टू ए सिंगल नर्व सेल। इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द पोलरिटी इन दिस फिश इन फॉर्म टेल टू हेड। दिस फिश में डिस्चार्ज ए करंट ऑफ अबाउट 350-450 वॉट्स। फोर्थ है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ राजा कैलावाटा स्केट एंड स्टार गेजर। इन राजा द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर मच स्मॉलर इन साइज एंड स्पिंडल शेप। दीज आर लोकेटेड पैरेलल टू द स्पाइनल कॉर्ड इन द टेल हैविंग फीबल पावर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक। इन द स्टार गेजर एस्टोकोपस द इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर कॉम्प्लिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ टू स्मॉल ओवल पैचेस बिहाइंड द आई एंड आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्वाइट पेनफुल इंटेंसिटी। अब है ये जो है कुछ फिशेज थी जिनमें कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं और उनमें किस तरह के पाए जाते हैं। अब है इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शनिंग मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। तो द करेंट इज बिलीव टू बी जनरेटेड मोस्टली बाय द मॉडिफाइड मसल्स एंड प्लेट इन द नर्वस साइड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेट्स स्मॉल
पोटेंशियल्स अराइज बाय मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन एज फाउंड इन नॉर्मल मसल्स फाइबर एंड नर्व सेल्स. एज रेस द टू सर्फेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेट्स नर्वस एंड एल्वुलर रिमेन पॉजिटिवली चार्ज आउटसाइड एंड रिलेटिवली नेगेटिवली चार्ज इनसाइड. इट इज़ बिकॉज एट रेस्ट द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू के एक्सीड द एन ए मेम्ब्रेन परमेबिलिटी रिजल्टिंग इन टू फास्टर के प्लस आउटवर्ड्स देन द डिफ्यूजन ऑफ एन ए प्लस इनवर्ड्स एंड ए रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ 100 एम वी इज अचीव्ड. एज सून एज द स्टिमुलाई कम्स टू द नर्व्स फेस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेट्स द फेस बिकम्स डिपोलराइज्ड ओइंग टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एन ए इनसाइड एंड द मेम्ब्रेन. इज बिकॉज अपॉन रिसीविंग स्टिमुलस द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एन ए इंक्रीज विद द रिजल्ट दैट लोकल इन्फ्लक्स ऑफ एन ए इज जनरेटेड. This large influx inverts the membrane potential and excites adjacent membranes to depolarize. As a result, the disturbance propagates over the electroplate surface and the smooth innervated cell depolarize. Cell surface depolarize. The resulting NA flux across the smooth surface into the cell and K leakage across the rough surface and out of electroplate yield a net positive current which travels from nerves to non-nervous phase. The brief discharges known as spike potential arising from each electroplate are added up to give rise to a much larger external potential than even exceed 600 V in many fishes. The polarization of electric organs and the direction of current flow is however not the same in all the electrical fishes. For example, in torpedo the current flows from dorsal positive to ventral negative side. In electrophorus and gymnarchus current flow is opposite side from tail negative head positive. तो इनके अलग अलग साइड में अलग अलग पोल पाए जाते हैं. Stenches the current has been reported to be produced by the nerve fibers themselves. अब ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फिशेज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिस्चार्ज. बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रिक फिशेज हैव बीन ग्रुप्ड इनटू टू. फर्स्ट दोज प्रोड्यूसिंग डिस्चार्ज ऑफ ए लार्ज पोटेंशियल जैसे टॉर्पीडो इलेक्ट्रोफोरस मेलाप्टेरस. सेकेंड दोज प्रोड्यूसिंग डिस्चार्ज ऑफ ए स्मॉल पोटेंशियल स्केट राजा एंड जिम्नोटस. ग्रुप फर्स्ट फिशेज प्रोड्यूस वेरी लार्ज पोटेंशियल of high frequencies in the form of a large regular series. In group of small groups of pulse which travel like waves, these fishes emit a continuous nearly sinusoidal voltage with a very brief interval in between the two organs. For example, in torpedo this interval between the two organs have been measured 2 to 0.1 ms. In second group fishes very small potential of low frequencies is generated in the form of irregular small pulses that have intervals ranging from 10 m second to a second or more in between. Electrophorus however discharges both the strong as well as the weak currents. Strong current is produced from the large electric organs measures from 500 to 600 V and the weak current is produced from smaller organs measures to 10 V. The control and command system of electric organs lies within the brain. अब electric discharge from different fishes. तो अलग अलग फिशेज में electric discharge कैसे पाया जाता है. पहला electric eel इसमें maximum 500 to 600 और minimum 350 to 450. मेलाप्टेरस इसमें 350 टू 450, एस्टोकोपस 50 वी, टॉर्पीडो 40 टू 50 वी, नार्सिना 35 टू 37 वी, राजा 4 वी, जिम्नोटस 0.5 टू 1 वी. तो ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी है जो कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट की पाई जाती है. इसके बाद है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो हैं इनके फंक्शन क्या हैं. द डिफरेंसेज इन द फॉर्म पोजिशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन वेरियस स्पीसीज आर प्रोबेबली ड्यू टू डिफरेंसेज इन देयर फंक्शंस.
The important function of electric organ in the fishes are as under follow. तो इनमें क्या कार्य करते हैं ये? First offensive defenses, सुरक्षा. Second defensive defenses, आक्रमण और सुरक्षा दोनों. Third in making territorial range, अपनी territorial range बनाने के लिए. In identifying their enemies, अपने enemies को identify करने के लिए. As a substitute to poorly डेवलप आइस, मतलब अगर उनकी आइस कम डेवलप है तो उस कंडीशन में भी ये इनमें हेल्प करते हैं. इन फाइंडिंग द डायरेक्शन इन डार्क वाटर, इलेक्ट्रिक करंट हेल्प इन द प्रोसेस. सेवन फंक्शन एज इलेक्ट्रो इको लोकेशन. एट इन मेंटेन एंड डिफेंस ऑफ टेरिटरी. नाइन इन स्पीशीज रिकॉग्निशन. टेन इन प्रेडेशन. तो ये 10 इनमें जो है मेन उपयोग पाए जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन के. तो इस प्रकार से जो है कुछ विशेष होती हैं जिनमें ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये अपनी सुरक्षा, आक्रमण, खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए या डार्क उसमें रहने के लिए ये अपना उपयोग इस ऑर्गन का करती हैं. इसके बाद हम अगला दूसरा स्पेशलाइज ऑर्गन पढ़ेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू.